नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज इस हाथ के विषय में आप सभी के सामने महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यह फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो आते हैं सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे कि पूरे पाम के कंपेरिजन फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है और उसमें भी इस प्रकार से गैप मेंटेन हो रहा है। जब इस प्रकार का कोई भी इंडिकेशन मौजूद हो तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा जिद्दी पन को और इंडिपेंडेंट नेचर को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो खुले विचारों और खुले स्वतंत्र स्वभाव वाला नेचर आपका रहेगा और लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण कहीं ना कहीं एनालिटिकल पर्सनैलिटी थोड़ी सी कम इस कारण से रहती है। फटाफट एक्शन डिसीजन ले लेने की हैबिट ज़्यादा रहती है और कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा गैप रहता है, जैसे कहीं ना कहीं शर्मिलापन महसूस करना, अपनी बात को कभी कभी प्रॉपरली नहीं रख पाना, स्टेज फियर के जैसे इश्यूज रहना, इस प्रकार से। और थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर ज़्यादा है, जिसके कारण आपके अंदर क्रिएटिविटी एवं आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी रहने वाली रहेगी। लाइफ में आप रिस्क भी बहुत लेंगे और जो गैप यहाँ पर मेंटेन हो रहे हैं ये एक प्रकार से खर्चीलेपन को भी बताते हैं, जिसके कारण पैसा कहीं ना कहीं हाथ में रुक नहीं पाता है। थंब के साइज़ की चर्चा करें तो ये भी शॉर्ट है, जो बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग और क्विक एक्शन डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन, अपने थॉट्स को कर देना, इस प्रकार का नेचर रहता है। तो कहीं ना कहीं सब्र की थोड़ी सी कमी यहाँ पर दिख रही है और बहुत बार बिना सोचे समझे जाने वाला किया गया कार्य आप ज़्यादा कर देते हैं। आपका नेचर कुछ इस प्रकार से है कि जो भी चाहिए फटाफट चाहिए, जल्दी चाहिए। इस प्रकार के नेचर के साथ साथ पाम के साइज़ के विषय में आपके आए तो यहाँ पर शुक्र का एरिया बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलप है। तो लाइफ में आपका कहीं ना कहीं जो झुकाव रहेगा, जो बेसिक एक एम रहेगा, वो लग्जरियस लाइफ की चाहत में रहेगा, जिसके कारण हर प्रकार की सुख सुविधा, भोग विलास, इन सब के आपका प्रति आकर्षण जो है बहुत ज़्यादा रहने वाला रहेगा। इंस्पिरेशन मोटिवेशन लाइफ में आपको हमेशा मिलते रहेगा और कहीं ना कहीं आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंगली एक्शन नहीं ले पाते हैं, इस प्रकार का थोड़ा एटीट्यूड शो हो रहा है। अदरवाइज आते हैं तो हाथ में अब एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं तो गुरु फिंगर भी थोड़ी शॉर्ट थी और पर्वत भी यहाँ पर थोड़ा सा डिसबैलेंस है, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं शादी में देरी को इंडिकेट करता है हल्का सा। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका लाइफ रहा है, फैमिली लाइफ, उसमें कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बेनिफिट या इतना उस प्रकार का सुख नहीं मिल पाया है जो कि आपको मिलना चाहिए था। लेकिन जो मैरिड लाइफ रहेगा वो आपका सक्सेसफुल यहाँ पर साबित होने वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर आपके प्रोग्रेस लाइन गई हुई है और जो आड़ी रेखाओं के द्वारा जब इस प्रकार का संगम बनता है तो जो दाम्पत्य जीवन होता है वो बड़ा ही सुखमय साबित हो जाता है। तो इस कारण से जो थोड़ी बहुत भी इश्यूज थे वो नहीं रहेंगे और आपका मैरिड लाइफ यहाँ पर सक्सेसफुल रहेगा। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के रहने वाले रहेंगे, आपका नेचर बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक रहेगा, दिन प्रतिदिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान रुझान बढ़ता जाएगा और रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि भी आपकी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा शनि पर्वत पर चर्चा करें तो शनि पर्वत यहाँ पर आपका नॉर्मल है, तो लाइफ में कहीं ना कहीं मेहनत आपसे थोड़ा सा कम होने वाला रहेगा। आपको बैठ करके यानी दिमाग से जितना हो सके मेहनत आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो हार्ड वर्किंग नेचर है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर कमी शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो थोड़ी आड़ी रेखाएं हैं ये कार्यों में बाधा को इंडिकेट करती है, तो कहीं मर्तबा ऐसा होता होगा कि आपका काम होते होते बीच में रुक जाता होगा या किसी ना किसी प्रकार से देरी हो जाती होगी, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से इंडिकेशंस को बताता है। और इसके अलावा आपके यहाँ पर फेट लाइन के विषय में आए तो फेट लाइन भी यहाँ पर इस प्रकार से निकलते हो आपके माइंड लाइन पर आकर के रुक रहा है। देन आफ्टर 29 प्लस के बाद से ये वापस से इस प्रकार से स्टार्ट हो रहा है और अप्रोक्सीमेटली 38-37 के बाद से वापस से स्टार्ट हो रहा है। तो तकरीबन यहाँ पर आपको 27 से लेकर के 29 के बीच में प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस होगा और देन आफ्टर 39 के एज में आपको प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस और करियर में जो है चेंजेस बेसिकली रहेगा। यहाँ पर माइंड लाइन पर आकर के रुका है तो कहीं ना कहीं अपने डिसीजन के कारण ही थोड़ा सा आपका जो है करियर में चेंजेस आएगा और उसके बाद से आपका अनदर प्रोफेशन के द्वारा आपके हाथ में जो है डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। सूर्य के क्षेत्र पर आते हैं तो सूर्य पर सारी रेखाओं की मौजूदगी के बावजूद यहाँ पर जो है फिश सिंबल आपका बन रहा है। जब सूर्य पर फिश सिंबल बने तो आपके जन्म के बाद आपके फैमिली में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ होगा, आपके फादर कहीं ना कहीं गुड पोजिशन पर होंगे, बहुत इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा हासिल किए होंगे, या फिर आप
के कारण दूसरे लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट अपने लाइफ में महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जब सूर्य के ऊपर फिश साइन होता है तो आमतौर पर देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति के कारण दूसरे लोगों का बहुत ज़्यादा भला होता है और जो घर बार है उसमें भी बहुत प्रोग्रेस देखने को मिलता है। तो फिश साइन यहाँ पर ये भी इंडिकेट करता है कि लाइफ में आप आगे चल करके दूसरों को एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बॉक्स की जो आकृति है, स्क्वेरिश जो साइन होता है, सूर्य पर बन रहा है, तो ये बहुत अच्छे नेम, फेम, पॉपुलैरिटी और बहुत अच्छे प्रॉपर्टी को सर्वप्रथम इंडिकेट करता है और फादर के सुखों में बढ़ोतरी को बताता है। तो ऐसा कुछ भी है तो ज़रूर इन्फॉर्म करें। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ खराबी नहीं है यहाँ पर, ये ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजिंग नेचर और माइंड रहेगा, डिसीजन प्रॉपरली कभी कभी आप नहीं ले पाते हैं और आपको हमेशा किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत की आवश्यकता पड़ेगी ताकि आप कोई लाइफ में प्रॉपरली स्टेप ले सकें। तो ये थोड़ा सा माइंड को भटकाता है, थोड़ा इन्फ्लुएंसिंग नेचर कर देता है, लेकिन यहाँ देखा जाए मरकरी माउंट तो बहुत अच्छा है। आपका फिंगर में जो भी थोड़ी बहुत कमी थी उसको मरकरी माउंट ने फुलफिल कर दिया है, जिसके कारण बोलचाल की कला अब आपकी अच्छी रहने वाली रहेगी। और यहाँ पर जो एक से अत्यधिक रेखा है बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। सबसे पहला आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहेगी। इसका मतलब ये कि आप अपने बातों से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, किसी पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं, आपके अंदर कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छी है, जिसके कारण लोग आपकी कहीं ना कहीं बातों को मानते हैं। तो ये इसी कारण से आता है जिसके कारण बोलचाल की कला अच्छी बनती है, आचरण व्यवहार अच्छा होता है और लोग कहीं ना कहीं आपको पसंद करेंगे, माहौल की आप जान बन जाएंगे। तो ये यहाँ पर क्रिएटिविटी को भी डेवलप करता है और बिजनेस लक को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो व्यापार में इस कारण से आपके प्रोग्रेस बहुत मिलने वाला रहेगा। हृदय रेखा में आपके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है क्योंकि ये प्रॉपरली लाइन नहीं है, लेकिन गुरु से इसकी कनेक्टिविटी होने के कारण लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ही इमोशनल नेचर के रहेंगे और बहुत जल्दी दूसरों पर ट्रस्ट कर देने वाले रहेंगे। अपने तरफ से रिलेशन में 100% देंगे और यही रीज़न है कि यहाँ पर आपका जो हृदय रेखा है ये देखिए ओवरलैपिंग के साथ साथ बार बार चल रहा है, प्रोमिनेंट नहीं है। तो इसका मीनिंग यही होता है कि जो आपके नेचर और फीलिंग्स है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहेगा, फ्लक्चुएट होते रहेगा। आपके अपने ही लोग कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ठोकर देंगे, मिसगाइड या मिसयूज़ कर सकते हैं, उसकी थोड़ी संभावना है, जिसके कारण थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड तकलीफ को ये अगर हम हेल्थ वाइज साइड में रखें, लेकिन ठोकर आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा शो हो रहा है। और बहुत खास खास लोगों को भी आपको अपने लाइफ में छोड़ना पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो सीधे की ओर रेखा जा रही है ये कार्य के प्रति एकाग्रता को बताता है। और माइंड लाइन पर डायरेक्ट आपका फोकस करें तो स्टार्टिंग लाइफ में इतना प्रोमिनेंट माइंड लाइन नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्टडीज़ में रुकावट या कहीं ना कहीं प्रॉपरली स्टडीज़ नहीं हो पाई है, यहाँ पर ये इंडिकेशंस देता है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली 23-24 एज के बाद से माइंड लाइन बहुत ज़्यादा आपकी शार्प और इंडिपेंडेंट होकर के चल रही है, जिसके कारण डिसीजन कैपेसिटी भी इस कारण से आपकी इम्प्रूव होगी और चीज़ों को समझने की क्षमता अच्छी होगी। प्रैक्टिकलिटी और लॉजिकल नेचर 24+ एज के बाद आपके हाथ में और आपके लाइफ में जो है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सीधे आते हैं इसके बाद आपके लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी कुछ इस प्रकार से धुंधला ही है, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो स्टार्टिंग लाइफ थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ रहा है। लेकिन फिर आपका जो लाइफ लाइन है इसकी पूरी कनेक्टिविटी आपके गुरु से हो गई है और ये सीधे आपके जा रहा है चंद्र के क्षेत्र पर, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर जाने का योग आपका बहुत अच्छा है। लाइफ में आप फॉरेन में विजिट ही नहीं, फॉरेन में कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी भी जनरेट कर लेने वाले रहेंगे। जैसा कि आपका प्रश्न भी था कि वीज़ा मिलेगा या नहीं, तो 100% मिलेगा और फॉरेन से आपका कनेक्टिविटी बहुत लंबा रहने वाला भी रहेगा। अपने लाइफ का बहुत बड़ा लम्हा आप फॉरेन में स्पेंड करने वाले रहेंगे और आपकी लाइफ में जो सुटेबिलिटी, स्टेबिलिटी और जो सक्सेस मिल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 27 के एज से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है और इस प्रकार ये सीधे बाहर की ओर जा रहा है, जिसके कारण जो भी खुशियाँ हैं या जो भी डेवलपमेंट है आपका जन्म स्थान से दूर रहने वाला रहेगा। और उसी के पैरेलल में कुछ मंगल रेखा भी चल रही है हल्की हल्की, जो सहयोग को इंडिकेट करता है, जो कि हमेशा आपको दूसरों के द्वारा मिलते रहेगा। मरकरी माउंट के बाद यहाँ देखें तो मार्स आपका अंदरूनी और बाहरी दोनों डेवलप है, तो जब ये डेवलप होता है तो शारीरिक गठन और मानसिक बल ये दोनों बहुत मजबूत होता है। तो धैर्य की कमी आपके अंदर ज़रूर रहेगी, लेकिन साहसी आप अपने जीवन में रहेंगे। अब शुक्र आपका ज़्यादा ओवर डेवलप हो गया तो ये कामुकता को इंडिकेट करता है। अपोजिट जेंडर के प्रति आप कहीं ना कहीं ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते होंगे।
और ये थोड़ा सा व्यक्ति को शौकीन भी बनाता है। तो किसी चीज़ का शौक लत आपको रहेगा और खर्चे भी आपके उस चीज़ के द्वारा, उस लत के द्वारा जो है ज़्यादा रहने वाले रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ही रॉयल्टी आप अपने लाइफ में मेंटेन करने वाले रहेंगे और इसी सब में आपका मनी भी प्रॉपरली जो है इन्वेस्ट होने वाला रहेगा। केतु माउंट पर भी आपका यहाँ पर जो है हल्का सा फिश सिंबल क्रिएट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छे खासे ट्रैवलिंग को इंडिकेट करता है, और लाइफ लाइन और यहाँ पर आपके फेट लाइन के द्वारा ही एक और फिश सिंबल बन रहा है जो अच्छे खासे लक को इंडिकेट करता है कि भाग्य के साथ आपको हमेशा मिलते रहेगा, घर बाहर से हमेशा सहयोग आपको मिलते रहेगा, प्रोटेक्शन प्रॉपरली आपके लाइफ में रहेगी और यात्रा का सुख तो है ही, उसमें कोई कमी नहीं है। और चंद्र के क्षेत्र पर आते हैं तो आपका जो मून का एरिया है वो भी कुल मिलाकर के नॉर्मल है, और इसके अलावा यहाँ से निकलने वाली इस प्रकार की सारी लाइनें बिजनेस के प्रति झुकाव को और फैमिली के द्वारा किसी न किसी प्रकार के बिजनेस के हैंडओवर होने को इंडिकेट करता है। तो हो सकता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाए या फिर कोई बिजनेस हैंडओवर हो। और यहाँ पर बाहरी जो आपका चंद्र का एरिया है वहाँ से बहुत हल्की हल्की सी माइनर सी लाइन ऊपर की ओर आ रही है, तो ये यहाँ पर यही इंडिकेट करता है कि आपका जो भी डेवलपमेंट है लाइफ में, जो भी सक्सेस है, वो सब आपके फॉरेन लैंड से ही होने वाला रहेगा। फॉरेन से ही आपकी स्टडीज़ के भी चांसेस ब्राइट है, जॉब के भी चांसेस ब्राइट है, और प्लस प्रॉपर्टी के चांसेस भी वहीं से बहुत ज़्यादा ब्राइट है। फीमेल के आने के बाद यानी लाइफ में शादी के बाद भी आपके बहुत प्रोग्रेस रहेगा, और यहाँ पर सूर्य रेखा भी डेवलप यहाँ पर हो रही है, माइंड लाइन से ऊपर भी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपने मेंटेलिटी और खुद के बलबूते पर भी नेम फेम अच्छा हासिल कर पाएंगे। मनी ट्रायंगल हाथ में ओपन है तो लाइफ में मनी तो ज़रूर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पैसा आपके पास रुक नहीं पाएगा, किसी न किसी कारणवश हमेशा फिसलते रहेगा, तो इस कारण से इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल यहाँ पर साबित होता रहेगा, चाहे अब आप वो लैंड में करें, स्टॉक मार्केट में, या फिर यहाँ पर शेयर बॉन्ड्स, इन सब किसी में भी कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल, या फिक्स डिपॉजिट भी करना बेनिफिशियल साबित होगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड, और आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।